झारखंड को आज मिलेगा 2.5 लाख से अधिक कोविशील्ड का डोज। टीकाकरण कार्य में आएगी तेजी। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को दी गई विदाई। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्यपाल ने पेश किया गुड गवर्नेंस का उदाहरण। और लगातार दूसरे साल श्रद्धालुओं के बगैर निकले के भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। मुख्यमंत्री ने लोगों से की अपील, घरों में रहकर ही करें पूजा अर्चना। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले यह संदेश। देशभर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप सभी से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही ना बरतें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकले और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 0112397804 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर अपना समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोविड 19 के 37,154 नए मामले सामने आए हैं। और देश भर में केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों के कारण कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। अब देश में रोजाना आधार पर 40,000 से भी कम मामले आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में 37,154 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 39,649 लोग ठीक हुए हैं। इसके साथ ही कुल सक्रिय मामलों की संख्या 4,50,889 हो गई है, जो 1.46% है। कोरोना से रिकवरी रेट 97.22% हो गया है। कोरोना से अब तक 3,14,713 लोग ठीक हुए हैं। इधर झारखंड में भी कोविड संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोविड के 49 नए मरीज मिले हैं, जबकि 61 स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब मात्र 411 मरीज सक्रिय हैं और रिकवरी रेट बढ़कर 98.40% हो गई है। राज्य में 34 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन आज सवेरे समाप्त होने के बाद रांची समेत राज्य के कई शहरों, गांवों, कस्बों और गली मोहल्लों में चहल पहल देखी जा रही है तथा सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बढ़ गई है। एक ओर जहां लोग अपने आवश्यक सामग्रियों की खरीदारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मॉल और पर्यटन स्थलों की ओर भी रुख कर रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने लोगों से वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव को लेकर केंद्र और राज्य के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 37,73,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 12,35,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। और भारत में कोविड 19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जारी है। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 37,73,52,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 12,35,287 टीके लगाए गए। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
इधर झारखंड में भी कोविड के खिलाफ जंग जारी है और टीकाकरण कार्य तेज गति से चल रहा है। राज्य में टीकाकरण अभियान को और गति देने के लिए आज केंद्र सरकार की ओर से कोविशील्ड की 2.5 लाख से अधिक डोज उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे सभी जिलों के लिए आवंटित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल राज्य में 12,548 लोगों को टीके का पहला डोज और 5,563 लोगों को दूसरा डोज दिया गया। साहबगंज जिले के 9 प्रखंडों में कोरोना से जंग जीतने के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस वैक्सीनेशन ड्राइव में पहाड़िया जनजाति के लोग भी काफी रुचि दिखा रहे हैं। साहेबगंज के तालझड़ी प्रखंड के पहाड़ों पर बसे सीता पहाड़, चौकी पहाड़, कड़करम और देवाना गांव के पहाड़िया जनजाति के लोग टीकाकरण केंद्रों पर जाकर टीका लगवा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी भूमिका स्वास्थ्य कर्मियों की है, जो ससमय केंद्रों पर पहुंचकर सरकार के इस अभियान को सफल बना रहे हैं। चौकी पार से बोल रहा है नीलू मल, तो सुइया लेने से कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है। कोरोना के हारने के लिए सुई लगाना जरूरी है, लगाने से कुछ परेशानी नहीं होती। तालझड़ी प्रखंड के चिकित्सा पदाधिकारी अनुज कुमार ने बताया कि कड़करम पहाड़ पर कैंप लगाकर 99 लोगों को टीका दिया गया, जिसमें पहाड़िया जनजाति के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हम लोग कड़करम पहाड़ गए थे, जहां पर पहाड़िया जनजाति के लोग रहते हैं। हम लोग वहां पर उनको कोविड-19 का वैक्सीनेशन करने के लिए गए थे, जहां पर उन लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुल हम लोग ने 99 लोगों को वैक्सीन उस दिन। झरी की स्वास्थ्य सहायिका ममता कुमारी ने बताया कि पहाड़ों पर घर घर जाकर लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक किया गया, जिसके अच्छे नतीजे देखने को मिल रहे हैं। कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान से यहां के लोग काफी खुश दिखे। किसी के मन में टीकाकरण को लेकर किसी प्रकार की भ्रांति नहीं दिखी। साहेबगंज से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। बोकारो जिला के सदर अस्पताल में कल परिवार स्वास्थ्य मेला पखवाड़ा की शुरुआत हुई। 24 जुलाई तक चलने वाले इस पखवाड़े के तहत लोगों को परिवार नियोजन समेत अन्य चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और ये पखवाड़ा चलाया जाता है सरकार के द्वारा इस पर जागरूकता लाने के लिए, जो 11 जुलाई से 24 जुलाई तक, इसलिए हम लोग जुड़े हैं। इस बारे में हल्का ब्रीफिंग करने से पहले राज्य सरकार की ओर से राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में कल विदाई समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो और मंत्री रामेश्वर उरांव समेत अन्य मंत्रियों ने भावभीनी विदाई दी। मौके पर राज्यपाल ने सभी का सहृदय अभिवादन स्वीकार किया। जिनके व्यक्तित्व में आम आदमी के लिए स्नेह है, राज्य विकास के लिए संकल्प है और झारखंड के प्रति माननीय का यही। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के कार्यकाल का स्मरण करते हुए कहा कि राज्यपाल के रूप में इनके द्वारा किए गए कार्य सदैव सभी के लिए अनुकरणीय रहेंगे। श्री सोरेन ने कहा कि राज्यपाल के रूप में झारखंड प्रदेश के लिए इनका कार्यकाल सबसे लंबा 6 साल से अधिक का रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल ने बेहतर मार्गदर्शन और समन्वय से राज्य में गुड गवर्नेंस का उदाहरण पेश किया है। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल का आभार जताते हुए इनकी सेवाओं की सराहना की। इस बीच राज्यपाल आज सवेरे झारखंड से अपने पैतृक आवास रायरंगपुर उड़ीसा के लिए रवाना हो गई। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद।
आप सभी झारखंड के समस्त वासियों को नमस्कार। कराटे में हम लोग प्रत्यक्ष दुश्मन से बचाव की तकनीकों को प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं, लेकिन कोरोना एक ऐसा दुश्मन है जो अप्रत्यक्ष है, दिखाई नहीं देता। मैंने और मेरे काफ़ी प्रशिक्षकों ने वैक्सीन ले लिया है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप भी कोविड का इंजेक्शन लें और हम सभी झारखंडवासी इस जंग में विजय प्राप्त कर सकें। आज हमारा झारखंड राज्य कोरोना संक्रमण की विपदा से संघर्ष कर रहा है, लेकिन कोई भी विपदा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सम्मिलित प्रयास से पराजित की जा सकती है। सरकार ने सभी सुरक्षा मानकों का ध्यान रखकर आपके लिए टीकाकरण की शुरुआत की है। आप स्वयं कोविड का टीका लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। जोहार। एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरें झारखंड में। भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज उड़ीसा के पूर्वी में शुरू हो गई। सुचारू रथ यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यह दूसरा अवसर है जब कोरोना महामारी के कारण रथ यात्रा का आयोजन आम श्रद्धालुओं के शामिल हुए बिना हो रहा है। बार भी है, इस बार भी भक्त भाग नहीं ले पा रहे हैं। भक्तों को अपने घर में बैठकर अपनी टीवी स्क्रीन्स पर ही इस रथ यात्रा का आनंद लेना पड़ रहा है। सो इस बात का दुख भक्तों के मन में जरूर है, लेकिन आज का दिन इतना पवित्र है और इस रथ यात्रा का महत्व इतना बड़ा है, धार्मिक महत्व इतना बड़ा है कि भक्त पुरी के ग्रैंड रोड जिसको कहते हैं, बड़ा दंड जिसको कहते हैं उड़िया में, वहां जाकर रथ यात्रा का स्वाद ले पाए या ना ले पाए, उनके मन में उत्साह वही है, उनके मन में धार्मिक भावनाएं वही भरी हुई हैं। तो रथ यात्रा की तैयारियां काफी दिनों से की जा रही थी। 3000 सेवाएं जो है पुरी में, पुरी मंदिर के, ये 12वीं शताब्दी का ये मंदिर है, बहुत मशहूर मंदिर है, इसके 3000 सेवाएं जो है, जो RT-PCR टेस्ट में नेगेटिव जिनके रिजल्ट आए थे, ये 3000 सेवाएं जो है इसमें भाग ले रहे हैं। तीन रथ, प्रत्येक रथ को 500 सेवाएं खींचेंगे, 1500 सेवाएं तीन रथों को खींचने में लगेंगे, बाकी सेवाएं दूसरे किस्म की सेवाएं करेंगे। और सारे पूरी शहर में पिछली रात से 8 बजे से 144 धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, ताकि लोग जो है बाहर से लोग शहर में ना आ सकें, शहर के लोग निकल के ग्रैंड रोड पे ना आ सकें, वो अपने घर में ही बैठ के रथ यात्रा का लुत्फ लें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये कोविड की महामारी जो है, इसकी वजह से भक्त नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ उसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं, उनको कहा गया है घर में बैठकर आनंद लें। तो तैयारियां पूरी हैं और इस जो प्रथाएं जो इसकी होती हैं, इसके जो रिचुअल्स होते हैं, नीतियां जो होती हैं, इनकी तैयारी पहले से कर ली गई थी। ये नीतियां आज सवेरे से शुरू हो गई हैं और पहंडी विजय के बाद, पहंडी हम कहते हैं गर्भगृह से तीनों विग्रह जो है, तीनों मूर्तियां जो है, इनको सेवाएं जो है, ये एक प्रोसेशन में, एक सेरेमोनियल प्रोसेशन में बड़े तामझाम से इनको लाया जाता है रथ के पास, फिर उनको रथ पर विराजमान किया जाता है, वहां उनकी पूजा अर्चना होती है, उसके बाद जो है रथ चलने शुरू होते हैं। तो ये बड़ी लंबी परंपरा है और रथ यात्रा की परंपरा अपने आप में बहुत लंबी है, बहुत ऐतिहासिक है, बहुत पुरानी है। तो पूरी शहर में बड़ा उत्साह है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट, सुरक्षा के प्रबंध भी बहुत कड़े किए गए हैं। सेवायतों में उत्साह है, लोगों के मन में उत्साह है, लोग वहां जा नहीं पा रहे, ग्रैंड रोड पर पहुंच नहीं पा रहे, घर में बैठकर देख रहे हैं, लेकिन मन में उत्साह वही है, उद्दीपना वही है और धार्मिक भावनाएं वही। इधर राजधानी रांची समेत राज्यभर में लगातार दूसरे वर्ष श्रद्धालुओं की उपस्थिति में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा नहीं निकाली जा रही है। राजधानी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की रथ यात्रा सीमित व्यक्तियों के बीच विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद मंदिर परिसर में ही सांकेतिक रथ यात्रा निकलेगी। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों से आग्रह किया है कि सभी अपने घरों में ही रहकर भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना करें। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से राज्य के जनता को सुरक्षित रखने के लिए पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी सार्वजनिक रूप से जगन्नाथ यात्रा नहीं निकाली जाएगी।
इससे पहले भी हम लोगों ने जगन्नाथ भगवान जी की रथ यात्रा को कराने में असमर्थ रहे, लेकिन अभी भी संक्रमण गया नहीं है, इसलिए इस बार भी बहुत दुख के साथ हम लोगों को ये कहना पड़ रहा है कि इस बार भी रथ यात्रा हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं। और निश्चित रूप से ये यात्रा नहीं होना हमें भी काफी तकलीफ होती है, लेकिन आज की जो हालात है, आज की जो स्थिति है, इस स्थिति में यही निर्णय बेहतर है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर लोगों, विशेषकर ओडिशा के श्रद्धालुओं को बधाई दी है। रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करते हुए कहा कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों, विशेष रूप से उड़ीसा में सभी श्रद्धालुओं को मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि प्रभु जगन्नाथ के आशीर्वाद से सभी देशवासियों का जीवन सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य से परिपूर्ण बना रहे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी रथ यात्रा के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि पुरी में होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा उड़ीसा समेत पूरे भारत के श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पावन और बहुप्रतीक्षित उत्सव है। पर सभी देशवासियों को मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की पारंपरिक रथ यात्रा स्थानीय और संपूर्ण भारत के श्रद्धालुओं के लिए बहुप्रतीक्षित भावपूर्ण अवसर होता है। रथ यात्रा हमारे विविधपूर्ण और समावेशी लोकाचार का प्रतीक है और भगवान जगन्नाथ के भक्तों के लिए इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। भगवान जगन्नाथ, बलराम जी तथा सुभद्रा जी के भव्य रथ अखिल ब्रह्मांड में ईश्वरीय दिव्यता के प्रतीक हैं। इस वर्ष भी भारत और शेष विश्व कोविड-19 के कारण एक अभूतपूर्व स्थिति का सामना कर रहा है। इसीलिए मैं सभी नागरिकों से ये अपील करता हूं कि वे कोविड सुरक्षा के लिए निर्धारित मानदंडों का पालन करते हुए रथ यात्रा उत्सव को अत्यंत सावधानी पूर्वक मनाएं। रथ यात्रा के पवित्र और महान आदर्श हमारे जीवन को शांति, सद्भाव, स्वास्थ्य और खुशी से समृद्ध करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि रथ यात्रा के विशेष अवसर पर सभी को बधाई। रथ यात्रा के विशेष अवसर पर सभी को बधाई। हम भगवान जगन्नाथ को नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद सभी के जीवन में अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लाए। जय जगन्नाथ। राजस्थान में कल विभिन्न स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने से करीब 30 लोगों की मौत हो गई। जयपुर में आमेर किले के वॉच टावर पर बिजली गिरने से 11 लोगों की मृत्यु हो गई और अनेक लोग घायल हो गए। प्रबंधन विभाग की बैठक बुलाई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपदा प्रबंधन विभाग की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बिजली गिरने की घटनाओं में कल जयपुर में आमेर के किले के वॉच टावर पर बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई और अनेक घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि बड़ी संख्या में लोग आमेर के निकट वॉच टावर पर पिकनिक मनाने के लिए एकत्र हुए थे। बिजली उस समय गिरी जब लोग वर्षा के दौरान सेल्फी ले रहे थे। राज्य आपदा मोचन बल, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमों ने 29 लोगों को बचाया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बचाव अभियान कल देर रात तक जारी था। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी आकाशीय बिजली गिरने की घटना में 7 बच्चों सहित 9 लोगों की मौत हो गई। कोटा जिले के कनवास गांव में 4 बच्चों और धौलपुर जिले के कुडिन्ना गांव में 3 बच्चों की बिजली गिरने से मृत्यु हुई। इस प्रकार 12 में आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। वहीं झालावाड़ में भी आकाशीय बिजली के कहर ने एक जिंदगी छीन ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन दुर्घटनाओं पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने सभी मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं घायलों को भी 50-50
1000 रूपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी इस घटना पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में बिजली गिरने से हुई मौतों पर दुख जताया है। अपने एक ट्वीट में श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। में आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, इससे अत्यंत दुख हुआ है। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में विश्व की नंबर एक निशानेबाज वलारिन की नजर टोक्यो ओलंपिक पर है। पेश है एक रिपोर्ट। एला वेनिल वलारविन महज 21 साल की हैं, लेकिन उनकी गिनती दुनिया में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल की शीर्ष रैंकिंग वाली निशानेबाज के रूप में है। एला वेनिल ने अपनी शूटिंग यात्रा संस्कार धाम शूटिंग रेंज से शुरू की थी, जिसको याद करते हुए रविवार को अहमदाबाद में एक वेबिनार आयोजित किया गया, जहां वलारविन की मां सरोज वलारविन ने बताया कि कितने कम समय में शूटिंग रेंज तैयार की गई और उनकी बेटी ने शूटिंग में फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाद में वो गगन नारंग अकादमी में शामिल हो गईं और इस समय टोक्यो ओलंपिक में पदक की प्रबल दावेदार हैं। इज द वेरी सेम सॉइल वेयर शी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग प्रॉपर्ली एंड टुडे शी रीच्ड ओलंपिक्स, सो वी आर वेरी हैप्पी। वलारविन के पिता डॉक्टर आर वलारविन ने बताया कि जब उनकी बेटी ने शूटिंग की शुरुआत की थी, तब उस समय गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी ने खेलों में नए खिलाड़ियों की खोज के लिए पहल की थी और जिसके सफल परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं कि वलारविन जैसे युवा आज इतिहास रचने को तैयार हैं। इट वॉज ड्रीमिंग ऑफ आवर एक्स सीएम आवर मोदी जी व्हेन ही वॉज हियर एज ए चीफ मिनिस्टर, ही वॉज ड्रीमिंग टू ब्रिंग स्पोर्ट्स स्कूल इन गुजरात, सो फर्स्ट ही ब्रॉट द स्कूल हियर, हिज खेल महाकुंभ थ्रू ही स्टार्टेड द स्कूल, हिज ड्रीम वॉज गोइंग टू बी गिविंग फ्रूट्स, स्टार्टेड गिविंग फ्रूट्स नाउ, बट हाउ इट वॉज कमिंग थ्रू यू लाइक कोचेस हियर, मेनी कोचेस आर एक्चुअली आई वॉन्ट टू आई रिक्वेस्ट द कोचेस वो आर सिटिंग हियर, एटलीस्ट every coaches should bring at least one person to the Olympic. This is our request. Then definitely India will become top in Olympics, not only in Olympics, in all the games, we can say that one. Now we feel very proud of her. Now she is representing India in rifle shooting 10 meter. Aur mujhe umeed hai, Sheila, jo ek gold लेके आएगी और हम संस्कार धाम परिवार की तरफ से हम विश्वास करते हैं और उसे शुभकामना देते हैं। तमिलनाडु की युवा निशानेबाज का 2018-19 सत्र अविश्वसनीय रहा, जब उन्होंने दो अलग अलग ISSF जूनियर विश्व कप में 3 स्वर्ण पदक जीतकर अपने नाम का डंका बजाया। उनकी सफलता में 4 चांद तब लग गए जब उन्होंने 2019 में रियो डी जेनेरियो में ISSF विश्व कप में स्वर्ण पदक जीत लिया। इसके बाद उन्होंने चीन में ISSF विश्व कप फाइनल में एक और स्वर्ण पदक जीतकर अपने पदक तालिका में एक और उपलब्धि हासिल कर ली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी निरंतरता को जल्द ही महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में नंबर एक स्थान के साथ पुरस्कृत किया गया। इसका फायदा उन्हें इस वर्ष होने वाले ओलंपिक खेलों में मिलेगा और देश को उनसे पदक की पूरी उम्मीद है। स्पोर्ट्स डेस्क न्यूज, दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सभी से अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहने तथा दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है, जो DD News और उससे जुड़े सोशल मीडिया पर जारी रहेगा। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल टोक्यो जाने वाले एथलीटों से वर्चुअल माध्यम से बातचीत करेंगे। पिछले महीने श्री मोदी ने टोक्यो ओलंपिक को लेकर भारत की तैयारियों की समीक्षा की थी। समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महामारी के बीच एथलीटों के लिए निर्बाध प्रशिक्षण सुनिश्चित करने, ओलंपिक कोटा जीतने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने, एथलीटों के टीकाकरण और उन्हें प्रदान की जा रही सहायता के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों से अवगत कराया गया। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में 17 जुलाई तक बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। रांची स्थित मौसम केंद्र के अनुसार रांची, रामगढ़, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, चतरा, पलामू, लातेहार और लोहरदगा आदि जिलों में कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात की भी आशंका है, इसलिए वैज्ञानिकों ने आम लोगों को बारिश के दौरान पेड़ों के नीचे नहीं रहने और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है। पड़ोसी राज्य बिहार में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। जलमग्न है काफी बड़ा इलाका। आज की जो खबर है उसके हिसाब से पूर्वी चंपारण में गंडक नदी का जलस्तर घटा है, खतरे के निशान से नीचे आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। वो पानी डाउन स्ट्रीम आकर के गोपालगंज में स्थिति को खराब कर रहा है, जहां लगभग 1.25 मीटर ऊपर चली गई है गंडक नदी खतरे के निशान से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पूर्वी चंपारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर का खास तौर से सिकंदरपुर इलाका और गोपालगंज, ये अभी बहुत ही कठिनाई से जूझ रहे हैं और राहत कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं। कुछ जगहों पर लोगों को और निकाला गया है। आपने जैसा बताया कि 125 राहत केंद्र चल रहे हैं। राहत केंद्रों में सामुदायिक रसोई की व्यवस्था भी की गई है, ताकि जो लोग बेसरो सामान लौट आए हैं, अपने घरों से वापस आए हैं राहत केंद्रों में, उनको खाना समय से मुहैया कराया जा सके और दूसरी चिकित्सा सामग्री है या दूसरे सामान उपलब्ध कराए जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जुलाई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों को ऐसे विषयों पर विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है, जिनके बारे में कार्यक्रम की आगामी कड़ी में वे अपने विचार रख सकें। लोग अपने विचार नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम में साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी डायल कर सकते हैं और हिंदी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन्स 22 जुलाई तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं और SMS लिंक प्राप्त कर प्रधानमंत्री को सीधे अपने सुझाव दे सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमण की रफ्तार में लगातार हो रही गिरावट, राज्य भर में पिछले 24 घंटे में 49 नए मरीज मिले, सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर हुई 411। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान भी जारी, झारखंड को आज मिलेगा 2.5 लाख से अधिक कोविशील्ड का डोज, टीकाकरण कार्य में आएगी तेजी। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को दी गई विदाई, मुख्यमंत्री ने कहा राज्यपाल ने पेश किया गुड गवर्नेंस का उदाहरण। और लगातार दूसरे साल श्रद्धालुओं के बगैर निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, मुख्यमंत्री ने लोगों से की अपील घरों में ही रहकर करें पूजा अर्चना।